बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं इधर ना हॉलीडे में आया हूँ। कैमरा है ना क्या हाथ में? ये मेरे पास ही है, तो कंफ्यूज नहीं हो रहा उसकी वीडियो और मेरी वीडियोस देख के। बस उनका अपना चैप्टर चल रहे हैं, इधर मेरे अपने चैप्टर खोले हुए हैं। बस जी, इसकी भी दौड़ लगी, मैंने इसको बताया नहीं हुआ था। ये इन्होंने मेरा वेलकम बैक किया जी। और वो फिर जारी बात है, बच्चों को भी देखना था। एम्बुलेंस में डाल के ले गए थे मुझे, इधर मेहमान बना रहे दोस्तों का। वो भी तो ये देखें, ये जहर निकाल रहे हैं, इनके अंदर इतना जहर भरा हो। दुआ मांगे, कोई अच्छी नहीं है सिचुएशन, है ना। किडनियाँ फेल हो गई दोनों, अभी पता नहीं है, अभी अब ढूंढ रहे हैं क्यों। अभी तो फिलहाल ना ट्राई कर रहे हैं बुझाने की, बिजनेस हो जाएगी। पर मैं इधर आया हुआ, वो डिप्रेशन हो रही थी, टेंशन हो रही थी, वह ना फिर कहती कोई नहीं, थोड़े ना वीडियो बना लो, माइंड चेंज होगा, अच्छी बात है, काम पे ध्यान देना चाहिए, ठीक है। तो मैं कहा थोड़ा सा आपको मैं बता दूं मैं किधर हूँ, गायब नहीं हो गया, मैं भागा नहीं हूँ, उठा के इधर ले आए, मैं क्या करूँ, कोई नहीं, हो जाएगा इंशाल्लाह ठीक। मैंने सोचा उठा करके ले आए मुझे, कोई नहीं, अल्लाह पाक खैर करे। और जब इधर पहुँचो ना तो वो कहते हैं कि पूरे पूरे टाइम पे पहुँचे होना चाहिए, 90 होना चाहिए। तो जब मैं आया था तो मेरा 3 था फंक्शन, और थोड़ी देर बाद ही वो 1.5 रह गया। तो कहते हैं बड़े टाइम पे पहुँचे हो तुम, शहीद हो जाना था। अल्लाह खैर करे वसीम, पता नहीं इस तरह की बातें इतनी पैड़ी निकालते हो ना मुँह में से, अल्लाह खैर करे। मैं सोता हूँ, मेरे ख्याल में सो जाओ, हाँ रेस्ट करो। तो ये हैं जी वसीम साहब हॉस्पिटल में, कल मैं आई हूँ तो मुझे यहाँ आके पता चला कि ये यहाँ पे बैठे हुए हैं, तो बस काफ़ी परेशानी हुई है एकदम से। अल्लाह पाक बस खैर करे, बच्चों को भी नहीं इतना बताया हुआ, तो ये व्लॉग लगेगा तो उनको लगेगा पता कि पापा की क्या हालत थी। तो चलो दुआ में याद रखें, अपनी सेहत का ध्यान रखें। हाँ तुसी तो बहुत रखे हैं, छोटे छोटे ना इग्नोर नहीं करते चीज़ों को, चेक करवाया मेरा वाला काम नहीं करना। तो चलें जी, इजाज़त है, फिर इंशाल्लाह खैर से जब ये घर आएंगे तो इनको आप हंसता हुआ खुशबाश देखेंगे इंशाल्लाह। तो दुआओं में याद रखें, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़ कर दो जी, अल्लाह।